नमस्कार दोस्तों, आज 29 अगस्त, 29 अक्टूबर को हम करंट अफेयर्स देख चेक करेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण एशियाई देश को भारत से फ्लैश फ्लड गाइड सेवा प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों, जो फ्लैश फ्लड गाइड सेवा जो प्राप्त नहीं होगी तो वो कौन सा देश है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को भारत द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली अचानक आने वाली बाढ़ से जुड़ी मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टू है, छोटे तथा मझोले उद्योगों और स्टार्टअप की मदद करने और उन्हें बाजार में सूचीबद्ध होने को प्रोत्साहित करने के लिए किस संगठन ने BSC के साथ साझेदारी की? तो किसने की है दोस्तों? कोटक महिंद्रा, SBI, ICCI या नास्कॉम, किसने की है? तो इसका राइट आंसर है ICCI। शेयर बाजार BSE ने छोटे तथा मझोले उद्योग और स्टार्टअप की मदद करने के लिए और उन्हें बाजार में सूचीबद्ध होने को प्रोत्साहित करने के लिए इन्वेटी प्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा मंच के चौथे संस्करण का विषय क्या था? बदलती दुनिया में भारत का ऊर्जा भविष्य, भविष्य के लिए ऊर्जा बचत, भारत का सुरक्षित ऊर्जा परिदृश्य, कल के भारत के लिए स्वच्छ ऊर्जा। दोस्तों, क्या है जो भारत ऊर्जा मंच है उसका चौथा संस्करण क्या है? तो उसका क्या है, बदलती दुनिया में भारत का ऊर्जा भविष्य। ठीक है दोस्तों, भारत ऊर्जा मंच के चौथे या फोर्वे संस्करण का विषय बदलती दुनिया में भारत का ऊर्जा भविष्य। नेक्स्ट है, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत बैंक CEO के रूप में कौन सेवानिवृत्त हुए? आदित्य पुरी, गौतम अदानी, दीपक पारख, के मिश्रा। दोस्तों, कौन हुए? यह है इसका आंसर आदित्य पुरी। आदित्य पुरी 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद RBI के नियमन के अनुसार 26 वर्षों के बाद भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले बैंक CEO के रूप में 27 अक्टूबर 2020 को HDFC बैंक से सेवानिवृत्त हुए। ठीक है दोस्तों, उनकी जगह पर कौन आए? शशिधर जगदीशन को सौंपा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य लाइव न्यायिक कार्रवाई को संचालित करने वाला पहला न्यायालय बन गया? दोस्तों, कौन सा राज्य है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। गुजरात, तो इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात का उच्च न्यायालय यूट्यूब चैनल SCMS और कौन सा है? दोस्तों, गुजरात का उच्च न्यायालय यूट्यूब चैनल SCMS और ICT गुजरात के उच्च न्यायालय पर लाइव न्यायिक कार्रवाई को संचालित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है, सब्जियों के न्यूनतम मूल्य तय करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है?
हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक। तो कौन सा बन गया दोस्तों? तो वो है केरल। कौन सा राज्य है? केरल। कौन सा राज्य? केरल। राइट आंसर है केरल। केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार के अनुसार सब्जियों का यह न्यूनतम या आधार मूल्य उनकी उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। यह योजना 16 प्रकार की सब्जियों के लिए घोषित की गई है। 1 नवंबर से प्रभावी होगी, जिसे केरल गठन दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे हम। किस देश ने रक्तदान से संबंधित डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय हेतु भारतीय डाक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? फ्रांस ने, नाइजेरिया, डेनमार्क या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो कौन सा दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस सी स्टार्टअप फार्म किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्टार्टअप इनक्यूबेटर है? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का? ठीक है दोस्तों, किसका है? आर्थिक सहयोग संगठन का, ब्रिक्स का, संघाई सहयोग संगठन या स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल? तो दोस्तों इसका आंसर होगा संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 अक्टूबर या फिर 28 अक्टूबर? तो कब मनाया गया? 28 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज किसे नियुक्त किया गया? सीमा वर्मा, एमी कोनी बैरेट, कमला हैरिस, एवा मूटो? किसे नियुक्त किया गया? सीमा वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।